के वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र, हमारे शरीर में पाई जाने वाली हर तरह की मसल्स जो है वो इस मस्कुलर सिस्टम में आती हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम या जिससे स्टमक बना है या फिर जिससे हार्ट बना है, इस सारी ही तरह की मसल्स जो है वो आती हैं मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र में। हमारे शरीर में 650 से भी ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं और हमारे शरीर का जो टोटल बॉडी मास है उसका 40% जो है वो इन मसल्स से ही बना है। मसल्स की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, क्योंकि मायो का मतलब होता है मसल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मसल्स के फंक्शन की बात करें, जो मसल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में या फिर वो क्या काम करती हैं, सो द वेरी फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मूवमेंट। जो मसल्स है वो हमारी बॉडी में हर तरह के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी बॉडी में हर तरह का मूवमेंट, चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारी ही चीजें जो है हर तरह के मूवमेंट सिर्फ मसल की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। सेकेंड थिंग इज टू मेंटेन द पोस्चर। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड वन इज एनर्जी एंड हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में एनर्जी और हीट का जो प्रोडक्शन है वो मसल्स में ही होता है। जो मसल्स में जो सेल है उसमें ही एटीपी पाया जाता है, जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो हम हर तरह के काम करने के लिए यूज करते हैं। द फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स। क्योंकि जो हमारी मसल्स है वो बोन के ऊपर एक कवरिंग के जैसे है, तो ये हमारी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। देन द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग, च्यूइंग ऑफ फूड, सांस लेने के लिए, खाना चबाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम मसल्स का ही यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इन मसल्स का ही यूज करते हैं। हमारे फेस में 60 के अराउंड मसल्स पाई जाती हैं और इन्हीं मसल की हेल्प से हम जो है इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। फिर बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स की, यानी कितनी तरह की पेशियां होती हैं। टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स टिश्यू होते हैं। जो 3 अलग अलग तरह के मसल टिश्यू होते हैं वही 3 अलग अलग तरह की मसल्स यानी पेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर में 3 तरह की पेशियां होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज स्मूथ मसल एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल। अब बात करते हैं कि जो ये 3 तरह की मसल्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, इसमें डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल को हम स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल है वो सारी की सारी हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी है। ये स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटल सिस्टम से जिस टिश्यू से जुड़ी है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम टेंडन कहते हैं। हमारी जितनी भी स्केलेटल मसल है, चाहे वो बाइसेप्स हो, सार्टोरियस हो, एब्डोमेन की हो, ये सारी किसी ना किसी बोन से जुड़ी है और जहां पर ये जुड़ी है उसे टेंडन कहते हैं, और ये बोन के साथ जुड़ के जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है, इसलिए इन्हें हम स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। इन्हें स्ट्रिएटेड मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसकी मसल सेल, जो भी इसकी मसल सेल होती है उसे ही मसल फाइबर भी कहते हैं, उसमें यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क और लाइट बैंड होने का रीजन है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं इसमें। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की वजह से ये डार्क और लाइट बैंड्स जो है वो दिखते हैं। डार्क और लाइट बैंड्स दिखने की वजह से ही इसको हम स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, यानी रेखित पेशी कहते हैं जिसपे रेखाएं होती हैं। फिर बात करें इसे वॉलंटरी मसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मसल्स है ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जिस तरह हम चाहे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद बात करें ये जो मसल सेल है या मसल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सिलेंड्रिकल होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी इसकी एक मसल फाइबर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो स्केलेटल मसल है वो हमारे लिम्स यानी हाथ, पैर, इन सारी जगहों पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बाइसेप्स, हमारे सार्टोरियस मसल, डेल्टॉइड, ट्रेपेजियस, ये सारी जो भी मसल्स हैं ये सब स्केलेटल मसल्स के अंदर ही आती हैं। सेकेंड बात करें स्मूथ मसल की, तो जो स्मूथ मसल है उनको ही हम इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं।
क्योंकि ये अनैच्छिक पेशी होती है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, ये अपने ही हिसाब से जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो होता रहता है। ये जो है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता, यानी यहाँ कोई डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट है वो स्केलेटल सिस्टम के कंपैरेटिव कम होते हैं। ये जो है स्पिंडल शेप की होती है, यहाँ पर यूनि न्यूक्लिएट होता है, यानी यहाँ जो एक सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि स्केलेटन सिस्टम की जो सेल है यानी जो मसल फाइबर है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी उसकी एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो स्केलेटल मसल की कंपैरेटिव कम होता है, इनमें जो कॉन्ट्रेक्शन का रेट है वो कम होता है, लेकिन वो थकती नहीं है, वो लगातार जो काम है वो हमेशा करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्मूथ मसल्स है वो हमारे स्टमक, किडनी, गॉल ब्लैडर, इन सारी जगहों पर पाई जाती है। फिर बात करें कार्डियक मसल की, इनको हार्ट मसल्स भी कहा जाता है। ये मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल की जैसे स्ट्रिएशन होता है, यानी यहाँ पे धारियां होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटल मसल के सिमिलर होता है, बट इनका जो फंक्शन है वो इनवॉलंटरी है, यानी जो ये काम करती है वो स्केलेटल मसल के जैसे नहीं है, सिर्फ देखने में स्केलेटल मसल के जैसे होती है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, इनका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से किया गया है, इसलिए इन्हें कार्डियक मसल या फिर हार्ट मसल के नाम से जाना जाता है। कार्डियक मसल की जो मसल सेल होती है उसको हम मायोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ये यूनि न्यूक्लिएट होती है, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है ये एक सेल होती है, और ये जिनसे डिवाइड है उनको बोलते हैं इंटरकैल्केटेड डिस्क। इंटरकैल्केटेड डिस्क का जो फंक्शन है वो ये कि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एक मसल से दूसरे मसल को पास करता है, इंटरकैल्केटेड डिस्क। इनकी जो सेल है उनको मायोसाइट्स कहते हैं, और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल जो है ये सिलिंड्रिकल शेप की होती है, जो स्मूथ मसल है ये स्पिंडल शेप की होती है, लेकिन जो हमारी हार्ट मसल है या कार्डियक मसल है ये जो है ब्रांच्ड होती है। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये इंट्रिंसिक ऑटोमेटिसिटी होती है, मतलब ये अपने खुद के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। जो कार्डियक मसल है वो हार्ट की मिडिल लेयर में पाया जाता है। हार्ट में तीन मसल्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है वहां पर ही कार्डियक मसल पाई जाती है, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम में कार्डियक मसल नहीं होती। कार्डियक मसल का मेन फंक्शन है उसमें रिदमिकली जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है वो बना रहे। तो ये थे मसल्स के तीन तरह के क्लासिफिकेशन। जो मसल्स है उन्हें तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे स्केलेटल मसल को हम वॉलेंटरी मसल भी कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, स्मूथ मसल को जो है वो हम अनस्ट्रिएटेड मसल कह सकते हैं, इनवॉलेंटरी मसल कह सकते हैं, कार्डियक मसल को हार्ट मसल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ऐसे ही आते हैं कि लिखा रहता है कि कहाँ पर कौन सी मसल पाई जाती है या फिर किस मसल का क्या फंक्शन होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।